तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे मैं मैगी नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, जो ये जस्ट छोटा सा सिंगल पैकेट है, और ये मैं वेज मंचाओ सूप जो होता है ना नॉर का, मैं वही यूज़ कर 10 रुपये वाला। सो चलिए बनाते हैं हमारा सूपी नूडल्स झटपट से और फटाफट से, और चलो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, यहाँ सॉस पैन में मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, ठीक है, और ये जो नॉर सूप है मैं उसको डाल रही हूँ फिलहाल यहाँ पे। सो तो ये सारा पैकेट ही मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, तो अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। चलो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई ऑलमोस्ट, कोई लम्स है तो नहीं दिखने रहा, अगर कोई इनकेस अगर लम्स बच भी जाता है ना, तो जब हम मैगी डालेंगे इसमें तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सब मैं इसे मैगी डाल रही हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक जन के लिए मैगी बना रही हूँ, दैट इज़ फॉर मी, इसलिए मैं यहाँ पे एक पैकेट ही मैगी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप उस हिसाब से मैगी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप नॉर्थ सूप का भी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो इसको एक हल्का सा स्टर देकर अब मैं इसे गैस पे रख रही हूँ। सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हम इसे गैस पे रखेंगे। तो चलो अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, और मैंने इसे यहाँ पे चढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी। ओके, अगर आपको मैगी का फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें ये इसका पैकेट आधा करके डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप पूरा डाल सकते हो, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसमें हल्का सा जो मैगी है वो जो मसाला है वो मैं डाल रही हूँ मैगी का, हल्का हल्का सा, नॉट मच, क्योंकि मुझे ज़रा ज़रा सा इसका फ्लेवर चाहिए, और मुझे ये डिश जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे इसका पाउडर थोड़ा डाल दिया है, ऑलमोस्ट 1/4 चम्मच डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये चॉपस्टिक्स, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही वर्सटाइल है यूज़ करने के लिए। सो ऑफकोर्स हम फॉर्क और नाइफ यूज़ करते हैं, बट चॉपस्टिक यूज़ करने में थोड़ा सा अलग मज़ा आता है, यू नो, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सो मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है ये। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, सो इसे मैं पलट रही हूँ यहाँ पे, और इसे अच्छे से बॉयल होने दूँगी। मेक श्योर करिए आप इसमें पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालिएगा क्वांटिटी में, क्योंकि फिर आपका जो सूप का फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा। यहाँ पर जो मैगी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सोक होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हो ना, सी इट्स ऑलमोस्ट स्टार्टेड सोकिंग, और जो हमारा सूप है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। सो एट दिस स्टेज हम इसको अच्छे से और थोड़ा बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बॉयल करना है, और अभी रात के ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं और सारे लोग सो चुके हैं, और मुझे ये मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, तो मैं डेफिनेटली अभी खा रही हूँ। सो आप मेक श्योर करिए आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आई नो ये थोड़ी सी स्ट्रेंज रेसिपी लगेगी आपको, बट बहुत ही प्यारी होती है ये, आपको खाने बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इसका फ्लेवर सा आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, यू कैन पुट मंचाओ सूप, यू कैन पुट हॉट एंड सार सूप, या आपको स्वीट कॉर्न सूप, जो भी नॉर सूप्स में अवेलेबल है ना वो सारे इसमें डाल सकते हो, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑन योर टेस्ट। ये देखिए ये बन के यहाँ रेडी हो गया है, वाह, है ना, ये देखिए आपका सूप भी रेडी हो गया है,
आपके नूडल्स भी ऑलमोस्ट पक गए हैं, यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो मैं एट दिस स्टेज गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और अब हम इसे सर्व करेंगे। सो अब हम इस डिश को सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे सर्विंग बोल ले लिया है और इस नूडल्स को मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन नूडल है। ट्रस्ट में ये बहुत ही प्यारी डिश है, बहुत ही लवली डिश है और आपको ये डिश डेफिनेटली पसंद आएगी। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को भी शेयर करिए और बड़े मज़े से खाइए। थैंक यू, बाय बाय।